हेलो क्लास UKG, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वर्क वेरी वेल. बेटा, हमारी जो है सारी मात्राएं अब लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं हिंदी में, और अब हम इन्हीं मात्राओं का अभ्यास करेंगे. ठीक है, आपकी बड़े ऊ तक की मात्रा हम लोग हाफ ईयरली में करा चुके हैं, तो उससे आगे हम जो है ए की मात्रा लेकर चल रहे हैं. तो इसका आज आपको रिविज़न करना है, अभ्यास करना है. ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक में आपके सेकेंड ड्यूटी भी बेटा स्टार्ट होने वाले हैं, सो आप लोगों को उसके लिए भी प्रिपेयर करना है. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एक्सरसाइज अगेन. तो ए की मात्रा है ये. ठीक है, ए, छोटा ए, ए से एडी. ठीक है, देखिए, जैसे कि ये क्या है, आपको चित्र को देखकर सही शब्द को सर्कल करना है. ये क्या है, क्या दिख रही है, कौन सी मिठाई है ये? जलेबी. तो लिखेंगे ज ल ए ब ई, जलेबी. जलेबी को सर्कल कर देंगे. इसी तरह से ये क्या है, केला, के ए ले आ केला. और ये कौन सा सब्जी है, ये करेला, कड़वा होता है ना करेला, क र ए ल आ करेला. और ये सेब, स एब सेब. और ये जो आप बर्थडे पर काटते हैं, केक, काजू होता है या केक, केक. और ये खेत, ख ए त खेत. तो खेत को सर्कल कर देंगे. और ये मेज, म एज मेज. और ये पेड़, प एड पेड़. और ये जेब, जेब जो पॉकेट में पॉकेट होती है आपकी शर्ट्स में, पैंट्स में, है ना. तो ये है ज ए बे जेब. सभी बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे. ठीक है, नाउ सी योर मैथ्स वर्क. ये आपका मैथ्स वर्क है. आज मैथ्स वर्क में आप लोगों को बैक काउंटिंग का रिवीजन करना है. ठीक है, बहुत दिन से हमने बैक काउंटिंग नहीं की है, तो आज आप बैक काउंटिंग का रिवीजन करेंगे 100 to 1. ये आपके 2 pages में, यहाँ तो मैंने 1 page पर ही आपको एडजस्ट कर दिया है, बट यू हैव टू राइट इट ऑन 2 pages. यहाँ 2 pages पर आप लिखेंगे, या जितने पे भी आएगा तो आप इसको करेंगे. इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिना पेज छोड़े भी आप वन इस तरह राइट कर सकते हैं. तो ये है 100. 100 से पहले कौन सा वर्ड आता है, कौन सा नंबर आएगा? 99, 98, 97, 96, 98, 96, 95, 94, 93, 92 एंड 91. सो यू विल कंप्लीट दिस. सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, एंड आई होप यू विल डू इट. सभी बच्चे इसको कर लेंगे. चलिए, थैंक यू. आपको 100 to 1 तक बैक काउंटिंग कंप्लीट करनी है. इट विल कम ऑन 2 pages. ठीक, 2 pages पर आ जाएगी. नाउ सी योर इंग्लिश वर्क. दिस इज द रिवीजन ऑफ दिस एंड दैट सेंटेंसेस. ओके, यूज ऑफ दिस एंड दैट, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुकी हैं, एंड इट विल कम इन एग्जाम ऑल्सो. सो टुडे वी विल रिवाइज द दिस एंड दैट सेंटेंसेज, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मैनी टाइम. उसमें क्या करना होता है, द वर्ड, द थिंग विच इज़ नियर टू अस, जो चीज़ हमारे पास है और वन है, उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं. सपोज मेरे पास ये एक स्केच पेन है, वन स्केच पेन है, तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ ए पेन. ओके, दिस इज़ ए पॉट, दैट इज़ ए बन, बन इज़ फार अवे, दूर है, वन बन है एंड बहुत दूर है, दैट इज़ ए बन. दिस इज़ ए नेट, दैट इज़ ए बॉल. This is a bag, that is a fan. Fan is far away. You can see fan, we can't touch it. हम इसे touch नहीं कर सकते, तो fan हमसे दूर है. Okay? This is a pan, that is a tree. So you will complete these exercises. ठीक है? Thank you.